चलो, सो फन विथ मैग्नेट्स चैप्टर है हम लोग का, चैप्टर 13 है ये, ठीक है, क्लास 6 साइंस, फन विथ मैग्नेट्स चैप्टर 13, ठीक है। एनसीईआरटी में जो चीज़ है वो सारा हम तुमको बताएंगे, ठीक। सो ध्यान से लेक्चर को देखना। चलो देखो, मैग्नेट्स, तो एक मैग्नेट जो है, मैग्नेट जो होता है वो एक मटेरियल होता है या ऑब्जेक्ट होता है जो कि आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। याद रखना, मैग्नेट एक मटेरियल होता है या ऑब्जेक्ट होता है जो कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, आयरन यानी लोहा हो गया, कोबाल्ट का हिंदी हमको नहीं पता, निकल का भी नहीं पता है, सर्च करना होगा, तुम देख सकते हो कोबाल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। सो आयरन मतलब लोहा, हाँ ठीक है। तो आयरन, कोबाल्ट, नोकल, निकल, इन सब को जो, इन सब मटेरियल्स को जो अट्रैक्ट कर सकता है जो ऑब्जेक्ट, उसे ही हम मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। मैग्नेट्स ऑल्सो अट्रैक्ट एंड रिपेल अदर मैग्नेट, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, यानी ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा अगर मैग्नेट है तो इस, ये इसको झटका भी दे सकता है और इसको खींच भी सकता है, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो जैसे तुम्हारे बगल में कोई दोस्त है, तो उससे दोस्ती भी हो सकता है, दुश्मनी भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे, एप्लीकेशंस ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो क्या अट्रैक्शन प्रॉपर्टी अगर हम पकड़े हम लोग कि मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या मैग्नेट लोहा को अट्रैक्ट करता है, ये सब, तो क्या उसका डेली लाइफ में कोई एप्लीकेशन है? तो हाँ है, रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है, फ्रिज का जो डोर होता है, देखते हो कि जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं वो जाके चिपक जाता है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी यही है मैग्नेट का। पेंसिल बॉक्सेस, हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जो पेंसिल बॉक्स होता है उसको हम लोग ऐसे उठाते हैं जो जैसे हल्का सा बंद करते हैं तुरंत बंद हो जाता है पूरा, है ना, ऐसा ऐसा हल्का सा उठाएं तुरंत बंद हो गया। और पर्सेस विथ मैग्नेटिक क्लोजर बटन, ठीक है। तो पर्स भी होता है जिसका तुम देखते हो कि जैसे ही उसका कवर बंद कर रहे हो पर्स का, तो वो जाके चिपक जाता है, ठीक है। सो क्या होता है उसमें, मैग्नेटिक क्लोजर बटन होता है, ठीक। आयरन सेपरेटर फ्रॉम वेस्ट, जहाँ पे कूड़ा कबाड़ होता है, तो अगर उससे हम चाहें कि लोहा को निकाल लें, ठीक है, तो आयरन सेपरेटर होता है। सो वो क्या होता है, उसमें मैग्नेट चिपका होता है, क्रेन होता है, क्रेन में मैग्नेट चिपका रहता है और ढेर सारा उससे लोहा को वो निकाल लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है वो। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी होता है और भी चीज़ है। अब मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कवरी देखो कहाँ से आया, इसको थोड़ा टाइप्स देखो और पोल्स के बारे में जानो। पोल क्या होता है, मैग्नेट का पोल होता है, क्या होता है, मैग्नेट्स का पोल होता है, वो भी बताएंगे। देखो, मैग्नेट्स आर सेड टू बी डिस्कवर्ड बाय द शेफर्ड नेम्ड मैग्नस, ठीक है। तो एक जो भेड़ भेड़ चराहा था, भेड़ जो चढ़ाता था उसका नाम मैग्नस था, ठीक है। तो भेड़ चढ़ाने वाला एक आदमी था जिसका नाम मैग्नस था, वो ग्रीस में रहता था, ठीक है। तो कहा जाता है कि वही जो है, मतलब मैग्नेट का डिस्कवरी वहीं से हुआ, उसी के द्वारा हुआ। तो मैग्नस के पास एक एक स्टिक था जिसके किनारे पे लोहा लगा हुआ था। एक स्टिक था, नहीं होता है कि लोहा लगा रहता है तो उसको थोड़ा ऐसे है, चल चल थोड़ा पीटेगा तो आगे बढ़ेगा। सो लोहा का जो है उस पर इंड, इंड स्टिक का जो इंड था, डंडा का जो जो किनारा था लास्ट छोर, उस पर आयरन लोहा था, ठीक है। और वो जो है एक दिन ऐसे ही भेड़ चरा रहा था और एक पत्थर पे, एक टुकड़ा पे जाके उसका स्टिक जाके चिपक गया, ऐसे मारा ना, ऐसे बढ़ रहा था, तो ऐसे जैसे भेड़ बकरी को मारा जो भी है, तो भेड़ आगे बढ़ गया और जाके पत्थर पे चिपक गया, उसका स्टिक जो ऐसे जाके चिपक गया, ठीक है। तो ये जो पत्थर था, ये जो है मैग्नेटाइट का बना हुआ था जिसके अंदर आयरन था, ठीक है। तो मैग्नेटाइट जो है पत्थर होता है एक प्रकार का, और इसमें जो आयरन था, ठीक है, ये स्पेशल टाइप का आयरन था, ये आयरन जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला था, ठीक। चलो ये हो गया डिस्कवरी के बारे में। अब जरा टाइप्स जानो। देखो, दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं, एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट जो नेचर में पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट मटेरियल के होते हैं, मैग्नेटाइट के होते हैं, ठीक है, वही बोले मैग्नेटाइट जो कि नेचर में पाए जाते हैं, उसको नेचर बनाता है, उसको हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे कैसे, जो हम बोलते हैं कि कोयला है तो नेचर बना रहा है ना, कोयला हो गया, ये सब नेचर बनाता है, तो वैसे ही मैग्नेटाइट जो है वो नेचर बनाता है, प्रकृति बनाती है। सो नेचुरल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैग्नेटाइट एंड आर फाउंड इन नेचर, ये नेचर में पाया जाता है और मैग्नेटाइट का बनता है, मैग्नेटाइट से बना हुआ होता है, नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो हम लोग अलग अलग प्रोसेस से बना लेते हैं, ठीक है, लोहा के मदद से ही हम लोग बनाते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट किससे बनता है, लोहा के मदद से, ठीक है वो। अच्छा, जैसे हो गया हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल कौन कौन हो गया, बार मैग्नेट हो गया, ठीक है। एक मैग्नेट देखते हो गया ऐसा होता है लाल और ब्लू कलर का, यहाँ पे लाल कलर होता है, एस लिखा रहता है, यहाँ पे ब्लू कलर होता है, एन लिखा रहता है, ये हो गया बार मैग्नेट, ठीक है। ये हम बना लेते हैं, लोहा को जो है मैग्नेटाइज कर देते हैं मैग्नेट से रगड़ रगड़ के, और वो क्या बन जाता है, बार मैग्नेट बन जाता है। हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है,
घोड़ा के नाल के, घोड़ा का जो नाल होता है उसके तरह जो है, हॉर्स के शू के तरह जो है मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बॉल एंड मैग्नेट, ठीक है, बॉल एंड मैग्नेट भी होता है कुछ इस प्रकार से, बॉल के तरह जो है होता है, ठीक है। चलो तो टाइप्स भी हो गया, डिस्कवरी भी हो गया, आप क्या बच्चा पोल्स के बारे में, चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखो क्या है, मैग्नेट हैज मोस्ट मैग्नेटिज्म एट द टू एंड्स ऑफ इट, ठीक है। तो एक मैग्नेट का जो दो एंड होता है, ये मैग्नेट है हमारे पास, इसका दो एंड होता है, एंड मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो इनके मैग्नेट का जो किनारा होता है, जो भी दो एंड्स होते हैं उस पे अधिकतर मैग्नेट का जो पावर है वो ज़्यादा होता है। मैग्नेट का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उनके एंड्स पे, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब जैसे देखो एक बात समझो, इसको ऐसे समझो, हम हैं, ठीक है, तो हम हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, हमारे हाथ में, ठीक है। अब कोई बोलता फाइट करो, तो फाइट किससे करें, कान से करेंगे फाइट, कान से तो फाइट नहीं ना होगा, फाइट किससे होगा, हाथ से होगा। तो हमारा सबसे ज्यादा पावर कहाँ है, हाथ पे, ठीक उसी तरह मैग्नेट का सबसे ज्यादा जो पावर है वो कहाँ है, उसके एंड्स पे है, यानी वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है अट्रैक्ट करने का क्षमता, यानी वो मैग्नेट है तो उसका सबसे ज्यादा पावर कहाँ कहाँ है, उसके एंड्स पे है, ठीक है। और इन्हीं एंड्स को, इन्हीं किनारों को हम कहते हैं पोल्स। सो वी हैव टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के कितने दो कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, ठीक है। एज अ कन्वेंशन, कन्वेंशन होता है ढर्रा, एक ढर्रा चलते आ रहा है कि लोग इसी टाइप का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ठीक है ना। एक हम लोग का बन गया कि नहीं, हम लोग इसी टाइप से लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, नहीं कहते ढर्रा बन गया जो एकदम चलते आ रहा है। तो ढर्रा के अनुसार, कन्वेंशन के अनुसार इन्हीं दो एंड्स को हम क्या कहते हैं, साउथ और नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। तो हमने इन दो एंड्स को क्या कहा, एक को कह दिया साउथ, एक को कर दिया नॉर्थ। अब किसको साउथ कहा, किसको नॉर्थ कहा, ये देखो आगे। इन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, हम क्या करते हैं, ये एक यहाँ पे मान के चलो कि कोई स्टिक है, उससे ऐसे ये लोहा जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे धागा है, क्या है, धागा, और धागा से हम मैग्नेट को लटका दिए हैं, ठीक है, धागा से मैग्नेट को लटका दिए हैं, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है। तो अगर फ्रीली सस्पेंडेड है, फ्रीली मतलब उसको हम कहीं से कुछ दबाव नहीं दे रहे, उसको बस छोड़ दिए, सिंपली ऐसे लटका दिए, कैसे एक बॉल को हम लटका देते हैं, पेंडुलम बना देते हैं, तो वैसे ही इसको सिंपल लटका दिए। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ, तो जो हमारे हमारे हम हमारी तरफ कितना डायरेक्शन है, चार दिशा है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो वो सुनना, वो पॉइंट जो नॉर्थ की ओर जा रहा है, कहा जाएगा कि वो नॉर्थ को खोज रहा है, समझो। मान के चलो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इधर अर्थ का नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है। तो अगर मान के चलो, समझना बात को, ये पॉइंट ये इधर वाला, ये अगर नॉर्थ की ओर चला गया, इसको ऐसे हम लटका है, और ये मुड़ गया नॉर्थ की ओर, यानी नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो कहा जाएगा कि वो मैग्नेट का नॉर्थ सीकिंग एंड है, सीकिंग मतलब होता है खोजना, यानी ये पॉइंट नॉर्थ को खोज रहा है, नॉर्थ किधर है, नॉर्थ किधर है, नॉर्थ इधर है, हाँ, तो नॉर्थ को खोज रहा है, तो नॉर्थ सीकिंग एंड कहा जाएगा, या नॉर्थ पोल कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल। और जो पॉइंट साउथ को खोज रहा है, द पॉइंट विच इज सीकिंग साउथ, ठीक है, सीकिंग मतलब क्या होता है, खोजना, तो वो पॉइंट जो दूसरा एंड है, दूसरा एंड मैग्नेट का, वो किधर की ओर जाएगा, साउथ की ओर, ठीक है। तो कहा जाएगा कि वो उसका साउथ सीकिंग एंड है, यानी ये एंड इस मैग्नेट का साउथ सीकिंग एंड है, यानी खोज रहा है, ये एंड इस मैग्नेट का साउथ सीकिंग एंड है, यानी खोज रहा है, या हम साउथ पोल कहेंगे। तो नॉर्थ सीकिंग एंड बोलो या साउथ सीकिंग, वो सब कॉन्सेप्ट हटा दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलो, जो नॉर्थ की ओर गया वो नॉर्थ पोल, जो साउथ की ओर गया वो साउथ पोल। तो ये हो गया मैग्नेट का साउथ, इसलिए कहा गया साउथ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये भी हो गया। चलो आगे देखते हैं। मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, उदाहरण के लिए आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। तो वैसे मटेरियल जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, उदाहरण के लिए आयरन, निकल, कोबाल्ट। सो आयरन यानी लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये सब जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। और वैसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, उदाहरण के लिए पेपर हो गया, वुड हो गया यानी लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ये सब जो है, ग्लास यानी कांच हो गया, शीशा हो गया, है ना, कपड़ा हो गया, और क्या बोले हम, ये सब जो है फोम हो गया, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये सब मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखो,
फाइंडिंग डायरेक्शंस यूजिंग मैग्नेट। तो मैग्नेट की मदद से जो है हम लोग डायरेक्शन का पता करेंगे, ठीक है। नहीं क्या होता है जंगल में लोग जब खो जाते हैं या फिर कहीं पे भी डायरेक्शन पता करना हो तो लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। सो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो एक जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है जिसको आराम से लटका दिया गया है वो हमेशा जो है आके रुक जाएगा किस में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते आया जा रहा है पुराने समय से डायरेक्शंस को खोजने के लिए, ठीक है। कंपास इज अ डिवाइस यूज टू फाइंड डायरेक्शन। तो कंपास जो एक डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग डायरेक्शंस का पता लगाते हैं। कंपास कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड नीडल एंड अ डायल, ठीक है। तो कंपास जो होता है उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होता है, मैग्नेटाइज नीडल होता है और डायल होता है, ठीक है, कांटा जैसा, मार्क्ड विद डायरेक्शंस इनसाइड अ बॉक्स विद ग्लास कवर, ठीक है। तो एक ग्लास का कवर होता है, ठीक है, और डायरेक्शन उसमें लिखा रहता है। द फ्रीली रोटेटिंग नीडल कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ एज डिपिक्टेड ऑन द डायल, ठीक है। तो जो फ्रीली, जो आराम से रोटेट कर सकता है डायल, वो जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है जैसा कि डायल डिपिक्ट करता दिखाता है। द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज मार्क्ड रेड फॉर डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम साउथ पोल, ठीक है। तो जो नॉर्थ होता है वो रेड कलर से होता है जो नीडल होता है, ठीक है, नीडल का जो नॉर्थ पोल होता है वो रेड कलर से दिखाते हैं और ब्लू जो है वो साउथ को दिखाता है, ठीक है। और ये आके रुकता है जिधर भी रहता है, ठीक है। और ये हो गया, यही लिखे हम अब फ्रीली सस्पेंड, ये पॉइंट का डायग्राम ये है और कंपास का डायग्राम यहाँ पे बनाए। तुम फिगर से देखो तुमको ज़्यादा समझ आएगा अपने बुक से, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास बताए थे, पहले ही बता चुके हैं, नॉर्थ साउथ है, इधर नॉर्थ इधर साउथ है। नॉर्थ ये पॉइंट जो है नॉर्थ को खोज रहा है इधर की ओर, नॉर्थ ये पॉइंट साउथ को खोज रहा है, साउथ इधर है, ठीक है। ये डायरेक्शन बता दिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ की ओर नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो ये फ्रीली सस्पेंडेड है, क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड, ये लकड़ी का या फिर कुछ भी है, ये लोहा का ऐसे, इससे ये धागा है, ये क्या है, थ्रेड, ये क्या है, थ्रेड। तो ये हमारे पास धागा है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखो। मेकिंग ओन मैग्नेट, अपना मैग्नेट हम खुद बनाना चाहते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट बनाना चाहते हैं, परमानेंट तो ऐसे नहीं बनेगा लेकिन टेम्पोररी मैग्नेट, यानी कुछ देर के लिए उसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा, यानी कुछ देर के लिए हम लोहा का जो भी लोहा का बार है हमारे पास, लोहा का जो भी मटेरियल है उसको, लोहा जो है उसको हम टेम्पोररी मैग्नेट हम बना देंगे। देखो क्या करेंगे, टेक एन आयरन आयरन बार, एक आयरन बार लेंगे, ये क्या हमारे पास आयरन बार है, ठीक है, ये जो है आयरन बार है, ठीक, एंड अ मैग्नेट बार, और एक मैग्नेट का बार लेंगे, ठीक है। एक मैग्नेट बार होगा, एक आयरन बार होगा, इस आयरन बार को हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट बनाना चाहते हैं। प्लेस वन ऑफ द मैग्नेट्स पोल एट द एज ऑफ द आयरन बार, ठीक है। तो मैग्नेट का जो एक पोल है, ये मान लो ये पोल है, ठीक है, इसको आयरन बार के एक किनारे पर रखेंगे, ठीक है, और स्लाइड द मैग्नेट टुवर्ड्स द अदर एज ऑफ द आयरन बार, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आयरन बार है, ये हमारे पास मैग्नेट बार है, ठीक है। तो ये जो बार मैग्नेट है इसका एक पोल को हम यहाँ पर रखेंगे, इस पर यहाँ पर, और ऐसे स्लाइड करेंगे, देखो ऐसे स्लाइड किए फिर वापस वहीं गए, फिर स्लाइड किए, देखो ऐसे आ रहे हैं फिर वापस वहीं जा रहे हैं, ये ऐसे स्लाइड किए फिर वापस ऐसे स्लाइड किए, फिर उठा के वापस ऐसे स्लाइड किए, ऐसे ऐसे करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा इफेक्ट, ऐसे ऐसे अगर हम इस टाइप से करेंगे तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, वही कर रहा है, ठीक है। और बिना उठाए याद रखना, ये जो स्लाइड कर रहा है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हम स्लाइड कर रहे हैं, तो इसको उठाना नहीं है, ये नहीं कि मैग्नेट उठा लिए, यहाँ से उठा लिए फिर ऐसे कर दिए, नहीं, पूरा अच्छे से स्लाइड करना है, ऐसे 30-40 बार ऐसे जो है करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लिफ्ट द मैग्नेट, ना वही कर रहा है कि अब मैग्नेट को उठा सकते हैं और वापस यहाँ पे रख सकते हैं, यानी यहाँ फिर उठाएं, मैग्नेट यहाँ रखें, फिर ऐसे, फिर उठाएं यहाँ रखें ऐसे, ठीक है। विद द सेम पोल टचिंग द आयरन बार, सेम पोल, ये नहीं कि ऐसे उठाएं और टच करके ऐसे ले गए, नहीं, एक ही पोल, मान लो ये नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है, तो नॉर्थ यहाँ टच किया, ये ऐसे गया, फिर यही नॉर्थ यहाँ गया, फिर टच किया, इनिशियल पोजिशन फाइनल, फिर इनिशियल फाइनल, ऐसे 30-40-50-100 ऐसे करेंगे, तो ये जो आयरन बार है इसमें टेम्पोररी मैग्नेटिज्म आ जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारा आयरन बार मैग्नेट बन जाएगा, फिर उसको जब हम थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा कील से, जो लोहा का होता है कील, उसको सटाने का प्रयास करेंगे तो वो सटेगा, ठीक है, हल्का कील वगैरह जो होगा, जो भी है, हो सकता है थोड़ा अच्छा कील को भी वो अट्रैक्ट कर ले, थोड़ा वजन वाला, ठीक है। तो ये मैग्नेट बनाने का तरीका है। देखो मेकिंग अपना क्या है, ये मेकिंग ओन कंपास, ठीक है। तो अपना कंपास हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट से कंपास लाएं,
या फिर हम चाह रहे हैं कि अपना ही घर में कंपास बना लें, ठीक है। तो अगर हम अपना कंपास बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक निडल लेंगे, एक सुई लेंगे और उसको मैग्नेटाइज कर देंगे, यानी उसको उसी प्रकार से जैसे बताए थे, सो आयरन बार से ऐसे घसते घसते उसको मैग्नेटाइज कर देंगे, ठीक है, यानी उसमें टेम्पोरेरी मैग्नेटिज्म ला देंगे, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया, ठीक। फिर क्या करेंगे, एक कॉर्क लेंगे। कॉर्क क्या होता है, वो खेलने वाला कॉर्क नहीं, दूसरा कॉर्क। जैसे मुझसे शादी करोगी जो मूवी है, उसमें सलमान खान जो है जब बैठे रहता है अमरीश पुरी के पास, तो क्या करते हैं वो ऐसे जो शैंपिन का जो बॉटल होता है तो उसको ऐसे खोलते हैं, तो जो कॉर्क होता है वो ऐसे निकलता है, तो वही कॉर्क, ठीक है। ठीक, कॉर्क ओक ट्री से आता है, कॉर्क ओक ट्री होता है, तो उसका जो छाल होता है ना उसी से वो बनता है, ठीक है। अब उतना बायोलॉजी हमको पता नहीं है, तो ये कॉर्क होता है और ये जो है तैर सकता है, ठीक है, पानी में। कॉर्क जो है वो तैर सकता है पानी में। तो क्या करेंगे, ये मैग्नेटाइज नीडल लेंगे और इसको कॉर्क से, ये जो कॉर्क है हमारे पास, इस पे हम इसको चिपका देंगे, क्या कर देंगे, ग्लू कर देंगे, चिपका देंगे, ठीक है। ध्यान ये रखना है, और हाँ, एक कटोरा लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और कॉर्क को उसमें उतार देंगे, और ध्यान ये रखना है कि नीडल जो है वो पानी को टच नहीं करना चाहिए, नीडल जो है वो पानी को टच नहीं करना चाहिए, ठीक। और जैसे ही हम पानी में कॉर्क को रखेंगे, ये रहा हमारा पानी, ये रहा हमारा कॉर्क, और ये रहा ये निडल, ठीक, ये रहा निडल, ठीक है। देखो ये पानी है, पानी कटोरा में पानी लिया, तो मान लो ये पानी का सरफेस है, ये हमारा कॉर्क है मान के चलो, ये रखे, ये मेरा उंगली जो है ये क्या है, निडल है, ठीक। तो हम भले ही कॉर्क को इधर उधर किधर भी घुमा लें, ध्यान रखना, भले ही हम कॉर्क को ऐसे घुमा दे वैसे घुमा दे कैसे भी, जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही जाएगा, यानी नॉर्थ साउथ नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पकड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना, नीडल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही पकड़ेगा, इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा होम मेड कंपास, होम मेड कंपास, ये बन गया। चलो आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है, आगे है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के बारे में। चलो आगे देखो, मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन बट कैन अट्रैक्ट एंड रिपेल अदर मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है वो लोहा को अट्रैक्ट करता है और वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। अट्रैक्ट मतलब होता है खींचना, रिपेल मतलब होता है धक्का देना। लाइक और सेम पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, ठीक है, देखना ये दो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये भी एक अलग मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है। कहता है लाइक, लाइक मतलब एक जैसा या सेम, एक जैसा जो पोल होता है दो मैग्नेट का, मान के चलो इसका भी नॉर्थ पकड़े और इसका भी नॉर्थ पकड़े, व्हेन ब्राउट क्लोजर दे रिपेल ईच अदर, ठीक है, और इसको हम नजदीक लाएं, ठीक है। ये देखो ये नॉर्थ, मान के चलो कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, और ये भी नॉर्थ है ये साउथ है, तो अगर ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, जैसे ही नजदीक लाएंगे तो ये झटका देगा, ठीक है। वैसे ही ये साउथ है ये भी साउथ है, जैसे ही नजदीक लाएंगे ये झटका देगा, ठीक है। यही कहता है कि लाइक पोल्स, लाइक नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, लाइक पोल्स व्हेन ब्राउट क्लोज टुगेदर, ठीक है, व्हेन ब्राउट, सही बोला ना अंग्रेजी रे, व्हेन ब्राउट क्लोज दे रिपेल ईच अदर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा। उदाहरण है साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेट, मान के चलो हम साउथ पोल ले लिए एक मैग्नेट का, रिपेल करेगा दूसरे के साउथ को, ठीक है, तो ये भी साउथ है एक मैग्नेट का, मैग्नेट वन मैग्नेट टू, इसका भी साउथ पकड़ो इसका भी साउथ, दोनों को नजदीक लाने का प्रयास करो, साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, क्या होगा, झटका लगेगा और ये ऐसे भाग जाएगा, ये फिर वापस ऐसे आ जाएगा, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अनलाइक पोल्स, अनलाइक मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, या डिफरेंट, अलग अलग जो पोल है, जैसे मान के चलो अलग अलग पोल है साउथ नॉर्थ, ठीक, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, तो अलग अलग जो पोल से दो मैग्नेट का, वो जो है जब उन्हें नजदीक लाया जाएगा तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, वो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। उदाहरण हो गया, अगर साउथ पोल एक एक का लिए दूसरे का नॉर्थ पोल लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कि ये नॉर्थ ये साउथ, इसको जैसे ही हम ऐसे जो है साउथ नॉर्थ, ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। यहाँ देखो, मान के चलो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ साउथ ये साउथ नॉर्थ, फिर से देखो नॉर्थ साउथ सट जाएगा, साउथ नॉर्थ सट जाएगा, ठीक। अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स और डिफरेंट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स व्हेन ब्राउट क्लोज टुगेदर दे अट्रैक्ट ईच अदर, हो गया, चलो ये भी हो गया। अब एक चीज और बचा है, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन यानी क्या क्या सावधानी रखेंगे मैग्नेट्स को हैंडल करने के दौरान, ठीक है, चलो वो भी देखते हैं।
चलो आगे देखो, प्रिकॉशंस विथ मैग्नेट्स, यानी मैग्नेट्स का जो देखभाल है उसको हम कैसे करेंगे और क्या क्या हमको सावधानी बरतना होगा मैग्नेट्स को हैंडल करने के दौरान। बिलो आर आर सर्टेन कंडीशंस वेयर मैग्नेट मे गेट डैमेज। तो नीचे कुछ ऐसा कंडीशन, कुछ ऐसा हालात दिया हुआ है जिसमें कि मैग्नेट जो है डैमेज हो सकता है। मैग्नेट्स लूज मैग्नेटिज्म व्हेन दे आर हीटेड। जब मैग्नेट को हम हीट करते हैं या उसे हम पीटते हैं या फिर उसको हम कहीं से अच्छे हाइट से गिरा देते हैं, तो वो अपना मैग्नेटिज्म जो है, यानी वो अट्रैक्ट करने का जो क्षमता है, अट्रैक्ट या रिपेल करने का जो भी क्षमता है उसका, वो कम हो जाता है, ठीक है, और वो लूज़ करने लगता है अपना मैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसे कैसे एक आदमी को ज़्यादा पीटा जाए या उसको तड़पाया जाए, ठीक है, या फिर वो उसको नहीं कहते, उसको कहीं से गिरा दिया जाए, मतलब ये सब नहीं नहीं बोलना चाहिए हमको, पता है, मतलब एक बात बोलें, जैसे फिल्म में जो होता है, फिल्म में क्या होता है, एक आदमी को बहुत मारता है, पीटता है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हीरो दुश्मन को मार रहा है, हीरो जो है विलन को मार रहा है, तो विलन जब पीटा जा रहा है, विलन को एकदम तड़पाया जा रहा है, मतलब हीरो तड़पा रहा है विलन को, तो क्या हो रहा है इस केस में, वो अपना विलन जो है वो वीक हो जाता है, वो अपना पावर जो है विलन का वो अपना खो देता है, ठीक है। क्या क्या हम बोलने लगते हैं, मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। तो मैग्नेट जो है वो वीक हो जाते हैं अगर उनको अच्छे से नहीं रखा जाए, ठीक है ना, हम लोग भी वीक हो जाएंगे अगर हमें घर में अच्छे से नहीं रखा जाएगा, है ना, अगर हमें घर से मम्मी पापा बाहर कर दे तो हमारा क्या होगा, हम लोग वीक हो जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, लेकिन ऐसा मम्मी पापा नहीं करेंगे, ठीक है। मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड एज मेंशन्ड बिलो। अब मैग्नेट को रखा कैसे चाहिए, मैग्नेट को रखना कैसे चाहिए, मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो मैग्नेट को कुछ इस प्रकार से रखना चाहिए कि उनका जो अनलाइक पोल है, यानी जो विपरीत पोल है, वो एक ही साइड पे हो, और बीच में जो है दे मस्ट बी सेपरेट बाय पीस ऑफ वुड, और बीच में जो है लकड़ी का एक टुकड़ा जरूर लगाना चाहिए, ठीक है, और सॉफ्ट आयरन, मतलब सॉफ्ट आयरन जो है वो भी लोहा ही होता है एक प्रकार का, उसको जो है उनके एंड्स पे लगा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन बार लगा देना चाहिए उनके एंड्स पे, ये भी आयरन बार है, आयरन बार लगा देना चाहिए, और बीच में जो है ये वुडन बोर्ड रखना चाहिए, अनलाइक पोल नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, बीच में वुडन बोर्ड, यहाँ पे एंड्स पे सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और अगर हॉट शू मैग्नेट की बात करें तो उसको जो कैसे रखना चाहिए, उनके एंड्स पे एक आयरन यानी लोहा का एक टुकड़ा जैसा लगा देना चाहिए उनके पोल्स पे, ठीक है। आगे देखो देखो एक और पॉइंट याद रखने वाला है ये, कि कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी वगैरह हो गया, और कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कैसेट्स, इन सब से जो है मैग्नेट्स को दूर रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि जैसे मान के चलिए है, क्या कहते हैं, म्यूजिक सिस्टम है, मान लो होम थिएटर है, म्यूजिक का स्पीकर है, तो उसमें भी तो मैग्नेट होता है ना, तो एक दूसरा मैग्नेट अगर आएगा तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, उसको उसको अट्रैक्शन रिपल्सन लगेगा, तो वो गड़बड़ा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी चीज़ों में, कैसेट्स, कंप्यूटर वगैरह में भी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, तो वो क्या कर सकेगा, डिस्टर्ब करेगा। अब तुम पूछोगे डिस्टर्ब कैसे करेगा, तो जो मैग्नेट होता है ना, जैसे नॉर्थ साउथ, तो इसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जिस प्रकार से मकड़ा अपने चारों ओर एक वेब बनाता है, वेब, वेब मतलब होता है जाल, तो उसी प्रकार से मैग्नेट जो है, मैग्नेट भी जो है अपना एक फील्ड बनाता है, क्या बनाता है, फील्ड, एक जाल बनाता है, और वो क्या करता है कि जो भी चीज़ उसके बीच में आएगा वो उस पर असर करने लगता है, ठीक है। तो इसलिए उस समय पीछे वाले केस में बता रहे थे कि मैग्नेट को जो है इस प्रकार से रखना चाहिए, कि यहाँ वुडन बोर्ड और यहाँ पे आयरन बार लगा देना चाहिए, आयरन बार, क्यों, क्योंकि अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर ऐसे ही हम मैग्नेट को छोड़ देंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलते जाएगा, तो क्या होगा, कुछ समय बाद इसका जो पावर है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही ये कर देंगे तो इससे चिपक जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका जो है कंट्रोल में रहेगा ऐसे, ठीक है, सही से रहेगा। अच्छा ये हो गया। सो मैग्नेट्स को जो है हमेशा कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, इन सब चीज़ों से बचा के रखना चाहिए, ठीक। तो एक और चैप्टर हम लोग का, चैप्टर 13 जो है कंप्लीट हो चुका है, क्लासिक्स एंड सर्टिफन विथ मैग्नेट्स, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।